नमस्कार, मैं आपके साथ कावेरी योगी और आप देख रहे हैं जनवाणी न्यूज़। आपको बता दें, मेरठ के थापड़ा आर्य समाज में एक वेद प्रचार समारोह का आयोजन किया गया है और इस समारोह में आज हम उपस्थित हैं। तो यहाँ पर हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि यहाँ की स्थिति क्या है, क्या क्या विषय यहाँ पे रहे हैं, कब से ये शुरू हुआ था और कब इसका समापन है। तो आइए जानते हैं, लेकिन इससे पहले एक छोटी सी झलक आप देखिए इस समारोह की। धर्म का ग्रंथ नहीं है वेद, तो मानव मात्र के कल्याण का ग्रंथ है। वेद किसी, चाहे वो जापान का व्यक्ति हो, चाहे अमेरिका का व्यक्ति हो, जो भी वेद की आज्ञा का अनुपालन करेगा उसका कल्याण होगा ही होगा। ये नहीं कि मैं करूंगा तो मेरा होगा, उनका नहीं होगा। क्योंकि वेद जिस प्रकार सूर्य सबके लिए है, उसी प्रकार वेद ज्ञान भी सबके लिए है, सबका कल्याण होगा। दो विधियां पढ़ाने का उद्देश्य ये है कि हम सत्य के मार्ग पर अग्रगामी बने, हम धर्म के मार्ग पर अग्रगामी बने। क्योंकि जो वेद, महर्षि देवदयानंद ने सारा जीवन दिया मानव कल्याण के लिए। आर्य समाज की स्थापना की किस लिए? कि मानव का कल्याण। एक नया हमारे सामने उपस्थित करके हमारे जीवन है। हमने जो ये कार्यक्रम किया, इस 12 सत्रों में से भी 6 सत्र हमने, ताकि आर्य समाज की विचारधारा काफी हॉल तक सीमित न रहे, अभी तो जन जन तक पहुँचे। हम ग्रामीण क्षेत्र में बातचीत करते हैं और इस वेद प्रचार समारोह के बारे में, यहाँ की स्थिति के बारे में जानते हैं। आपको नमस्कार। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम इंदिरा गांधी सिंह है। मैं वैसे पुराना की आर्य समाज की सदस्य हूँ और ये नगर के अंदर वेद प्रचार सप्ताह का कार्यक्रम चल रहा है 30 अगस्त की शाम से, और आज इसका समापन है। और हर दिन हर सत्र के अंदर हमने अलग अलग टॉपिक रखे हैं। कभी युवा वर्ग के ऊपर, रात हमारा डॉक्टर्स का था, एक बार शिक्षक का था, 2 बार हमने स्कूलों में जाके भी प्रोग्राम किया है। हमारा पहली तारीख को सत्यकामी इंटर पब्लिक स्कूल में था और 2 तारीख को एनपीएस के अंदर था, क्लास के अंदर। वहाँ बच्चों से संबंधित सब बातें पूरी, शास्त्री जी यहाँ के वो हैं प्रवचनकर्ता, और श्री योगेश दत्त, पंडित योगेश दत्त, और उनके साथ में ढोलक वादक पंडित पीत चंदारे जी, वो इस पूरे कार्यक्रम के अंतर्गत रहे। आज क्योंकि समापन समारोह है, इसलिए गुरुकुल प्रभात आश्रम से स्वामी विवेकानंद जी हमारे बीच में पधारे हुए हैं और आज उन्होंने अपना प्रवचन दिया है।